एसपी लीडर आजम खान की जानिब से कल लोकसभा में स्पीकर रमा देवी के खिलाफ अहानत आमेज रिमार्क्स की, जहां कई अरकान पार्लियामेंट ने मुखालफत की, तो वहीं बीजेपी के कई लीडर्स अलग अलग मुकामात पर आजम खान के पोस्टर्स लिए एहतजाज कर रहे हैं। इसी जिमन में बीजेपी तेलंगाना के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर और तेलंगाना जायसवाल सेवा समिति के सदर राकेश जायसवाल ने लोकसभा स्पीकर रमा देवी पर आजम खान के किए गए रिमार्क्स की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने आजम खान की तस्वीर पर चप्पलें बरसाते हुए आजम खान डाउन डाउन के नारे भी लगाए। कल पार्लियामेंट में, लोकसभा में आजम खान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने श्रीमती रमा देवी जी स्पीकर को आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उसकी कड़ी निंदा करता हूँ मैं। इससे पहले भी वो जयप्रदा के खिलाफ भी बोले हो, जैसा कि मालूम है यूपी में फार्मर्स किसानों के लैंड के केस में वो बुरी तरह फंस चुके हैं, उससे उनका दिमाग का संतुलन खो बैठा है और वो हर जगह ऐसा गलत टिप्पणी कर रहे हैं। ये श्रीमती रमा देवी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के महिलाओं के खिलाफ है, इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं श्रीमती मोदी जी से और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उनको लोकसभा से सस्पेंड किया जाए, और जब तक उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कार्यकाल है, जब तक उनको पार्लियामेंट आने की अनुमति दी नहीं जाए।